अब ये कहानी इसलिए मजेदार है क्योंकि लगता है कि नए प्रस्ताव के अनुसार 1% जंगल कटेगा और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, यानी कि विकास होगा। इसीलिए हॉल्टू के लोग भी इस प्रस्ताव के प्रति झुक रहे थे, लेकिन निकुंज और राहुल ये गणित की चाल समझ गए। उन्होंने बताया कि इस प्रस्ताव के अनुसार आधा जंगल कट जाएगा। बस फिर क्या था, प्रस्ताव एकदम नामंजूर हो गया और एमटी का जंगल बच गया। अगर आप कभी भी आईआईटी कानपुर जाएं तो एमटी की चाय या लस्सी पीना नहीं भूलिएगा। चलिए देखते हैं कि कैसे 1% उत्तर सही नहीं है। मान लीजिए जंगल में 200 पेड़ थे, 99% नीम और 1% यानी 2 कीकर के पेड़ थे। अब जंगल कटने के बाद यही 2 कीकर के पेड़ 2% हो जाते हैं। इसका मतलब कुल पेड़ 100 हो गए होंगे, तभी तो 2 कीकर के पेड़ 2% होंगे। तो 200 पेड़ के जंगल से 100 पेड़ का जंगल हो गया, यानी 100 पेड़ कट गए या आधा जंगल कट जाएगा। दूसरी तरह से भी देख सकते हैं। मान लीजिए जंगल में 200 पेड़ थे, नीम के 99% यानी 198 नीम के पेड़ थे और 2 पेड़ कीकर के जो कि बचे रहे। बाद में नीम घटकर 98% हो गए, यानी इतने नीम जिसमें कि 2 पेड़ जोड़े तो कुल 100% हो जाए। इसका मतलब 98 नीम के पेड़ बचे होंगे। 198 से 98 पेड़ यानी कि 100 नीम के पेड़ कट गए या 200 में से आधा जंगल कट गया। तो देखा किस तरह से निकुंज और राहुल ने एमटी के उस नीम के जंगल को अपनी गणित लगाकर बचा लिया। आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।